Hello friends, good morning, welcome to e-tutorial of Binayak Inter College, Khajurahat, Ayodhya. My name is Ram Sukh Maurya. I will teach you today class 7 science chapter 1 Manav Vigyan aur Pradyogiki. Mein hum padh rahe hain Electronic Dark Seva. आगे आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा क्या है इसके बारे में. इसको ईमेल भी कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा या ईमेल. तो पढ़ते हैं इसके बारे में यह क्या है. यह कंप्यूटर एवं इंटरनेट आधारित संचार का मतलब होता है यानी बातचीत का साधन की महत्वपूर्ण युक्ति है या विधि है. तो ईमेल क्या है, यह कंप्यूटर एवं इंटरनेट आधारित संचार यानी कम्युनिकेशन की महत्वपूर्ण युक्ति है या विधि है. इसके द्वारा कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से, कृत्रिम का मतलब होता है मानव निर्मित, उपग्रहों के माध्यम से अन्य देशों के कंप्यूटरों को सूचना संदेश आदि का आदान प्रदान यानी लेन देन किया जा सकता है. यह एक देश से दूसरे देश को संदेश यानी मैसेज भेजने का सबसे सस्ता साधन है. अब इसी क्रम में अगला है मोबाइल फोन एवं स्मार्टफोन. ये मोबाइल फोन और स्मार्टफोन के बारे में हम जानेंगे. तो मोबाइल फोन का जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान है. यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है. यह टेलीफोन की तरह बात करने के अलावा कई अतिरिक्त सेवाओं के लिए प्रयोग होता है, जैसे संदेशों के आदान प्रदान के लिए SMS, शॉर्ट मैसेज सर्विस, गेम खेलने के लिए, आवाज़ को संरक्षित करने के लिए वॉइस रिकॉर्डर के रूप में, वीडियो बनाने व देखने के लिए, फोटो खींचने के लिए, बैंक द्वारा पैसे का हस्तांतरण यानी भेजने के लिए आदि जो है इसका प्रयोग किया जाता है. यानी मोबाइल फ़ोन का प्रयोग किया जाता है या स्मार्टफोन का प्रयोग किया जाता है. बस आज के वीडियो में इतना ही. थैंक यू.